बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। आप सबके मन में ये सवाल तो होगा ही कि आखिर अमिताभ बच्चन जो कि कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करते हैं, वो एक एपिसोड को होस्ट करने के लिए कितने रुपए चार्ज करते हैं। वेल, अगर आपको ये बात नहीं पता तो देखिए ये वीडियो और जानिए ये खास बात। इस समय कौन बनेगा करोड़पति का 12वां सीजन चल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी कई टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स शो पर आ रहे हैं। वहीं इस शो के होस्ट महानायक अमिताभ बच्चन भी अपने अंदाज में ऑडियंस को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। साल 2000 में शुरू हुए इस शो को इतने साल भले ही हो गए हैं, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी आज भी गगन चूमती है। अगर हम शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के एक एपिसोड की फीस की बात करें, देन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो एक एपिसोड शूट करने के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। आपको बता दें, पिछले साल कई रिपोर्ट्स सामने आई थी। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी एक एपिसोड के 2 करोड़ रुपए लेते हैं, लेकिन अब उनकी फीस बढ़ गई है। इतना ही नहीं, अगर खबरों की माने तो केबीसी के सीजन 12 के लिए अमिताभ बच्चन 250 करोड़ तक की रकम ले सकते हैं। अब बात केबीसी की हो ही रही है तो आइए आपको बताते हैं शो के सफर के बारे में। केबीसी का सफर साल 2000 में शुरू हुआ था। इस शो में पहले सीजन में जीत की सबसे बड़ी रकम 1 करोड़ रुपए रखी गई थी। इस रकम को पाने के लिए कंटेस्टेंट्स को 14 सवालों के जवाब देने पड़ते थे। 19 अक्टूबर 2000 को केबीसी को अपना फर्स्ट विनर हर्षवर्धन नवाथे के रूप में मिला। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि जीती थी। इसके बाद विजय राहुल, अरुंधति और रवि सैनी ने 1-1 करोड़ रुपए का इनाम अपने नाम किया। इसके बाद गेम अच्छा चला तो साल 2011 में केबीसी ने सबसे ज्यादा विनिंग अमाउंट 5 करोड़ रुपए का कर दिया। 2011 में बिहार के मोतिहारी जिले के सुशील कुमार ने ये रकम अपने नाम की। इस सीजन की बात करें तो अब तक नाजिया नजीम और मोहिता शर्मा ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीत ली है। वहीं इस साल सबसे ज्यादा विनिंग अमाउंट 7 करोड़ रुपए का रखा गया है। वेल, केबीसी का ये गेम आपको कैसा लगता है कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए, और अमिताभ बच्चन की फीस के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।